ये कितनी नॉइज़ आ रही है, डिस्टरबेंस कितनी ज़्यादा है। आप वॉल्यूम बंद कर रहे हैं तो भी आ रही है, वॉल्यूम खोल रहे हैं तो भी आ रही है। ठीक है दोस्तों, कोई आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल फुल वॉल्यूम खोल रखे हैं। देखिए साथियों, आज मेरे पास है ये लोकल सिंगल टावर होम थिएटर। देखिए इसको आप जरा ध्यान से देखिए, मार्केट में ऐसे कई प्रकार के आपको बूफर होम थिएटर स्पीकर मिलते हैं जिनमें ऐसा बोर्ड लगा हुआ होता है इस टाइप का। देखिए, देख रहे हैं ना, इसमें क्या दिक्कत आती है दोस्तों, जब हम इसको ऑन करते हैं बाकी सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही हम इसका ब्लूटूथ ऑन करते हैं ना, देखेंगे जरा, मैं सेट ऑन किया, सेट आ गया। अब ध्यान से सुनेंगे आप, ये देख रहे हैं ये कितनी नॉइज़ आ रही है, डिस्टर्बेंस कितनी ज़्यादा है। आप वॉल्यूम बंद कर रहे हैं तो भी आ रही है, वॉल्यूम खोल रहे हैं तो भी आ रही है, बीच में कुछ कम हो जाती है। ठीक है, ये देखिए, जो भी कंट्रोल बंद चालू करते हैं हम, और ये नॉइज़ बढ़ती है, ये देख रहे हैं, कम करने पे भी बढ़ रही है और फुल करने पे भी बढ़ रही है। तो इसके ना मैं आपको आज एक नहीं, दो तरीके बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीके हैं जिससे आप अपनी इस सेट की नॉइज़ ख़त्म कर सकते हैं। इस सेट में या इस प्रकार के किसी भी सेट में ये नॉइज़ आप बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने सेट को खोलेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको खोलता हूँ बैक साइड से, ये देखिए इसमें पेज लगे हुए, सारे पेज मैं खोल लेता हूँ। सारे पेज खोलने के बाद इसका बैक कर देंगे हम बाहर। देखिए दोस्तों, बाहर आ गया बैक, ठीक है। और अब खोलेंगे इसका फ्रंट। ये देखिए फ्रंट में क्या है, कई बार चिपका होता है, कई बार ऐसे ही खुल जाता है, चिपका हुआ है दोस्तों, मैंने ये खोल लिया। अब आपने ध्यान देनी है, दो चीज़ें ध्यान देनी है दोस्तों। देखिए इसको देखेंगे, सबसे पहले इस बोर्ड को चेक करेंगे, जूम करता हूँ मैं। कई बार क्या होता है, कंपनियाँ जो है ना अपना टाइम और पैसा बचाने के चक्कर में क्या करती हैं, इस बोर्ड की जो है ना ग्राउंड यानी अर्थिंग वॉल्यूम पे लगा देती है। वॉल्यूम पे लगने से क्या होता है कि हमें नॉइज़ क्रिएट होने लगती है। तो सबसे पहले मैं सेट ऑन कर रहा हूँ, ब्लूटूथ मोड, और नॉइज़ आ रही है दोस्तों। देखिए आ रही है ना, ये देखिए फुल करने पे नॉइज़ आ रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे इसकी सप्लाई कौन सी है, नेगेटिव कौन सी है, पॉजिटिव कौन सी है। तो मैं इस बोर्ड को खोल लेता हूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए। ये बोर्ड आ गया दोस्तों बाहर, देखिए ब्लूटूथ मॉड्यूल, इसमें दोस्तों सप्लाई के पॉइंट बने हुए हैं, ये वाले एक और ये दो, दो पॉइंट बने हैं। एक पिन पे लिखा है GND और एक पे लिखा है BCC। BCC मतलब 5 वोल्ट सप्लाई और GND मतलब ग्राउंड, ठीक है। तो मैं आपको वोल्टेज नाप के दिखाता हूँ पहले, सबसे पहले इसमें वोल्टेज नापेंगे, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। मीटर की तरफ ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ आ रही है 5 वोल्ट पूरी, 5 वोल्ट पूरी आ रही है दोस्तों, ठीक है, 5 वोल्ट हो गई। अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये है इसकी सप्लाई की तारें, तो इसकी दोनों पॉइंटों पर वोल्टेज नापेंगे, ये प्लस और ये माइनस, सॉरी इसमें ब्लैक वाला पॉजिटिव बना हुआ है और ब्लू वाला बना हुआ नेगेटिव। तो ये देखिए, ज़्यादातर दोस्तों गलती क्या करते हैं, सप्लाई की अर्थिंग भी वॉल्यूम की अर्थिंग के साथ मिला देते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये वॉल्यूम की अर्थिंग और सप्लाई की अर्थिंग को अलग अलग करना, इसको काटेंगे, ये कट गई, ठीक है। अब उसके बाद आपने करना क्या है, एक वायर यहाँ से और एक वायर यहाँ से अर्थिंग से, दो वायर उठानी है आपने। ये देखिए, ये मैं तार का टुकड़ा ले लिया दोस्तों, ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। एक अर्थिंग यहाँ से ली, ये देख रहे हैं ना, कार्ड वाली या USB से आप लगा लेंगे, और एक लगा लेंगे इसकी ग्राउंड से, VCC ग्राउंड से। ये पहला तरीका है दोस्तों। और उसके बाद आपने करना क्या है, आपने सेट के आएंगे बैक साइड में, इन दोनों अर्थिंग की तारों को लेंगे, और देखिए अभी आवाज़ सुनते रहेंगे आप, आवाज़ आ रही है ना, दोनों तारों को लेंगे, जो अपना ग्राउंड वाला ट्रैक है, ये अपना अर्थिंग वाला ट्रैक है, ये वॉल्यूम की ये अर्थिंग यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ, ये ग्राउंड और ये कैपेसिटर के साथ मिलती हुई यहाँ, ये यहाँ से ये देखिए दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर की 3 पिन है ना, 1, 2, 3 तीन तारें हैं यहाँ लगी हुई ट्रांसफार्मर की। तो ये बीच वाली तार ग्राउंड होती है, यहाँ से ये चलती हुई ये यहाँ आ गई, इसके साथ आ गई, ये वाली अर्थिंग है, तो इस पर लगाएंगे दोस्तों ग्राउंड पे। देखिए सुनेंगे पहले, देखिए आवाज़ एकदम फ़र्क पड़ गया ना, कम हो गई, एक यहाँ लगा देंगे और एक थोड़ा और आगे, दो बना लेंगे,
वैसे तो एक से ही हुआ था काम, लेकिन हमने दो बना ली। लेकिन दोस्तों हमारी नॉइज़ ख़त्म हो गई, लेकिन थोड़ी थोड़ी आ रही है, देख रहे हैं ना, बहुत हल्की हल्की आ रही है। अब इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे आप, ये देखिए ब्लूटूथ पे है हमारा सेट, ये वायर इसके अंदर से डाल के वहाँ लगा देंगे। ये तो हो गया एक जुगाड़ दोस्तों, अब इसको मैं हटा रहा हूँ। ये एक तरीका बताया मैंने आपको, ये मैं हटा रहा हूँ अब। ये देखिए तार हटाऊँगा और नॉइज़ बढ़ती चली जाएगी। बढ़ गई, बढ़ गई। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, सप्लाई की जो अर्थिंग वाली वायर है कभी भी वॉल्यूम के साथ नहीं लगानी चाहिए, वॉल्यूम पे अर्थिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे ये इसमें वॉल्यूम के ऊपर अर्थिंग लगा दी ना, ये नहीं होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, बहुत ही सीक्रेट फार्मूला दोस्तों आपके काम के लिए, आपने लेना अपना मोबाइल का चार्जर। ऐसे चार्जर हमारे घर में काफ़ी सारे एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, तो ये देखिए मैंने इसकी चार्जर की वायर काट ली है, बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये मैंने देखिए अपने चार्जर की वायर काट ली और दो तारे ऐसे निकली आई, एक रेड और एक ब्लैक, किसी भी प्रकार की तार हो सकती है दोस्तों आपकी। अब मैं इसको नापता हूँ पहले, इसमें हमारी वोल्टेज कितनी आ रही है। अपना चार्जर लिया और मेन बोर्ड में लगाया, ऑन किया चार्जर और देखिए वोल्टेज नाप के दिखाऊंगा मैं आपको। इसमें 5 वोल्ट होनी चाहिए दोस्तों, 5 वोल्ट, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। देखिए 5.2 वोल्ट दिख रही है ना आपको, ये 5.2 वोल्ट, ठीक है। इसको साइड में किया हमने। अब देखिए, अब इस सप्लाई को क्या है, हमने अपने बोर्ड के साथ डायरेक्ट जोड़ना है और उसके बाद हमारी नॉइज़ देखेंगे कितनी आती है कितनी नहीं आती। सबसे पहले दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमारी सप्लाई कौन सी है। आप जो है ना, या तो डायरेक्ट बोर्ड पे भी लगा सकते हैं अपनी सप्लाई, इस बोर्ड पे लगा सकते हैं डायरेक्ट। उसको डायरेक्ट लगाने से पहले कुछ सेफ्टी है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, बहुत ही ध्यान से ऐसे स्टेप बता रहा हूँ आपको, सेफ्टी वाले पॉइंट। आपने क्या करना है, अपना बोर्ड लेना है, सेट मैंने ऑफ कर रखा है, और यहाँ से यहाँ एक जिनर लगा देना है दोस्तों। हमें 5 वोल्ट का जिनर लेंगे, लाइन वाला हिस्सा पॉजिटिव पे और बिना लाइन वाला हिस्सा नेगेटिव पे। इस प्रकार से मोड़ेंगे जिनर को और अपना जिनर इस पर लगा देंगे जहाँ सप्लाई का पॉइंट बना हुआ है। इसको काटूँगा, लाइन वाला हिस्सा पॉजिटिव, यहाँ VCC लिखा है, और प्लेन वाला हिस्सा GND। ये हो गया दोस्तों हमारा एक कनेक्शन, ठीक है। अब दोस्तों ये है हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ब्लू वाला नेगेटिव है और ब्लैक वाला इसमें पॉजिटिव बना हुआ है। तो ये तारे या तो आप यहाँ डायरेक्ट या फिर आप यहाँ देखेंगे। देखिए इस बोर्ड में देखिए, पीछे से आ रही है ब्लू वायर और ये ब्लैक वायर। ब्लैक वायर को भी हटाएंगे यहाँ से और ब्लू वायर को भी हटाएंगे। ब्लैक वायर पॉजिटिव बनी हुई है दोस्तों हमारी, इसका ध्यान रखेंगे, और ब्लू वायर बनी हुई है नेगेटिव। देखिए इसका ध्यान रखिए, यहाँ से ये दोनों हटा दिए हमने। अब क्या करेंगे दोस्तों, अपना अडेप्टर लेंगे, जो भी चार्जर है हमारा वो लेंगे, और चार्जर की पॉजिटिव वाली ब्लैक है हमारी, वो कलर दोस्तों कुछ भी हो सकता है, आपके में कुछ और हो सकता है, हमारे में कुछ और है। मेरे में ब्लैक वाली पॉजिटिव है, तो मैं ब्लैक वाली पॉजिटिव बना रहा हूँ। इसको करता हूँ सोल्डर। ये ब्लू वाली चार्जर की नेगेटिव के साथ जुड़ेगी। दोस्तों एक टिप्स और बताऊंगा मैं आपको, अगर आपकी तार गलती से उल्टी लग गई तो आपका बोर्ड ख़राब ना हो। जिनर हमने लगाया है सेफ्टी के लिए, लेकिन एक काम और बताऊंगा मैं अभी आपको सेफ्टी के लिए। अब इन तारों को कर देंगे टेप। ये हो गया दोस्तों। अब पॉइंट नंबर दूसरा पॉइंट पर आ जाते हैं दोस्तों। कई बार क्या होता है कि तारे उल्टी लगने का खतरा होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक डायोड और एक 10 ओम की रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे, ताकि हमारे कनेक्शन और सेफ्टी के साथ हो जाएं। ये सिर्फ सीखने वाले बच्चों के लिए है या सीखने वाले लोगों के लिए ये बता रहा हूँ पॉइंट सेफ्टी वाला, बाकी आप उस तरीके से कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे आप, आपका ये पॉजिटिव है ब्लैक वाला और ये है नेगेटिव। नेगेटिव तो रहने देंगे ऐसे ही, ठीक है। ये जो हमारी ब्लैक वाली तार पॉजिटिव आ रही है ना सप्लाई लेके, वहाँ से इसको पकड़ेंगे और ये देखिए दो चीज़ें ऐसे मिलाएंगे, रेजिस्टेंस और डायोड को आपस में, दोनों को मिलाया, यहाँ से कट करेंगे और इनका एक सीरीज बना लेंगे, बन गई। अब देखिए दोस्तों, लाइन वाला हिस्सा लगाएंगे इसकी सप्लाई में सीधा,
तो यानी यहाँ पे आ रही है, यहाँ लगा देंगे। सोल्डरिंग करेंगे इसके ऊपर। ये हमारा है पॉजिटिव वाला पॉइंट। सॉरी दोस्तों, आपको दिखाई नहीं दे रहा इसलिए मैं ऐसे करता हूँ इसको। ये पॉजिटिव वाला पॉइंट पॉजिटिव हो गया। और ये जो सप्लाई वहाँ से पॉजिटिव आ रही है ना दूसरी साइड से, इसको मैं लगाऊंगा इस रेजिस्टेंस पे। इस रेजिस्टेंस के साथ हम इसको सोल्डर कर देंगे यहाँ, और इसको चिपका देते हैं इसके साथ ही ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। ये आ गया दोस्तों, ठीक है। और इस बोर्ड को मैं कस देता हूँ इसके अंदर वापस, और इसके लगा देता हूँ पेच। ये पॉजिटिव सप्लाई और ये नेगेटिव सप्लाई, इस प्रकार इसको कस देते हैं हम अंदर। ये बोर्ड कर दिया हमने फिट, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने बैक साइड में। ये हमारा है चार्जर की वायर, ये हमने वायर लगा दी दोस्तों। और देखिए जैसे ही मैं ऑन करूँगा इसको, और ये हमारा सप्लाई आ गई, ब्लूटूथ लिखा हुआ आ गया, लेकिन अभी ऑन नहीं हुआ क्योंकि मैंने मेन साइड की सप्लाई ऑन नहीं की। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए बंद करूंगा मैं ब्लूटूथ, और ये देखिए अब ब्लूटूथ मोड, और देखिए आप सप्लाई बिल्कुल, आवाज बिल्कुल खत्म हो गई दोस्तों बिल्कुल। अभी देखिए मैं आपको सुना देता हूँ, ये ट्यूनर मोड, ट्यूनर लौटती हूँ। मेरी शॉप अंदर है ना, इसलिए एफएम वगैरह डिस्टर्ब आ रहा है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको गाने सुना देता हूँ इसमें ना, पेन ड्राइव से। अब मैं ब्लूटूथ सर्च करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों कोई आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल, फुल वॉल्यूम खोल रखे। देखिए ये देखिए फुल, कोई साउंड नहीं है। अभी ब्लूटूथ सर्च करता हूँ। अभी दोस्तों वीडियो ख़त्म नहीं हुई, अभी एक टेक्निक और बतानी है मुझे, नहीं तो आपको दिक्कत होगी फिर। ये बीटी स्पीकर लिखा है, मुझे पता नहीं है सर ब्लूटूथ कौन सा है, शायद बीटी स्पीकर ही होगा। यही चलाता हूँ पेयर पेयर पेयर, यही था दोस्तों। देखिए दोस्तों ये हो गया एक काम। अब आपका जो हमने अडेप्टर लगाया उसकी सेटिंग कैसे बनाएंगे, उसकी सेटिंग बनाने के लिए क्या करेंगे आप, सेट को किया मैंने ऑफ, और ये अपना अडेप्टर लेंगे। या तो आप इसके अडेप्टर को खोल लेंगे, या फिर इसमें से दो तारे यहाँ लगाएंगे, दो तारे यहाँ लगाकर इसकी दोनों ट्रांसफार्मर की तारों के साथ इसको जोड़ के चिपका देंगे और आपका काम हो जाएगा। अभी मैं जो है इसको दूसरे तरीके से लगाने वाला हूँ, मैं इसको खोल के लगाऊंगा। देखिए दोस्तों ये चार्जर मैंने खोल लिया, ये देखिए दो तारे यहाँ लगाएंगे सप्लाई की, और इस बोर्ड को यहीं मैं चिपका दूंगा। अब ध्यान से देखेंगे जरा, अब मैं वो काम करने वाला हूँ। ट्रांसफार्मर की दोनों तारे उठाता हूँ और इसके अंदर लगा देता हूँ। पहले अपने सेट को मेन से अलग कर लेंगे। मेन से मैंने अपना सेट अलग कर लिया दोस्तों, ये देखिए। और इसकी तारों को एक तार यहाँ से और एक तार यहाँ से, तो दो तारे लेते हैं। मैं इसको डायरेक्ट, देखिए कस्टमर ने छील के लगाई हुई है ऐसी, तो मैं इसको डायरेक्टली लगाता हूँ पहले यहाँ ना। इस प्रकार से हमारे दोनों काम एक बार में ही हो जाएंगे। एक तार यहाँ से ले लेते हैं, एक तार यहाँ से, तो दोनों रेड वायर से हम कनेक्ट कर देते हैं इसको। सोल्डरिंग फ्लक्स लगा के अब करेंगे सोल्डरिंग। एक तार
इस पॉइंट पे, एक तार उस पॉइंट पे, एक तार इस वाले पॉइंट पे लगेगी दोस्तों। और इसको हम ग्लू स्टिक से चिपका देंगे, यहीं पे चिपका देता हूँ दोस्तों। मैं आयरन से इसको पिघाल के चिपका देता हूँ दोस्तों, क्योंकि वैसे गन के अंदर लगाने में लग जाएगा मुझे टाइम। अब दोस्तों ये हो गया काम हमारा। इस वायर को आप छोटा करना हो तो छोटा कर सकते हैं, मैं इसको छोटा कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ फिट। अब दोस्तों जो मैंने तार बताई थी ना आपको लगानी, ये तार जो बताई थी अर्थिंग से लगानी, तो आप जो इसकी वायर जो अंदर से आ रही है ना, इसके अंदर से, उसके अंदर बोर्ड से, वहाँ से घुसेड़ेंगे और यहाँ लगा देंगे इसके अंदर, वहाँ से डाल के यहाँ लगा देंगे बोर्ड के अंदर, तो भी आपकी सेफ रहेगा मामला। इसको साइड करता हूँ, देखिए मैं आपको बता ही देता हूँ कैसे लगेंगे तारें। ये देखिए यहाँ से वायर ली, आप चाहो तो एक अर्थिंग लगा सकते हो दोस्तों सेफ्टी के लिए, इससे क्या है थोड़ा काम और बेहतर हो जाएगा। मैं देखिए वायर लेता हूँ, सिंगल वायर ले लेता हूँ, सिंगल वायर से भी काम चल जाएगा आपका। ये वायर ली, इसको लगाने से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, फ़ायदा ही होता है। ये हमने लगाया अपने कार्डिडर वाले पॉइंट पे, कार्डिडर वाले पॉइंट पे लगाएंगे इसको। ये देखिए यहाँ कार्ड रीडर है अपना, उस पर लगाया, और जो वायर इसकी आ रही है ना इसके अंदर से, देखिए इस छेद में देखिए वायर आ रही है यहाँ पे, दिखा आपको छेद, इस छेद में मैं डाल देता हूँ वायर को। कहीं हो तो यहाँ गमिंग वगैरह लगी होती है, तो आप पेचकस से थोड़ा सुराख बड़ा करके उसको कर सकते हो। ये देखिए तार आ गई यहाँ बाहर। अब इस वायर को मैं इस अर्थिंग पे लगा दूंगा जो कि हमने कॉमन बना रखी है ना इधर, ये देखिए, ये देखिए इस अर्थिंग पे लगा देता हूँ। तो इससे भी आपको फ़ायदा ही रहता है, ये अर्थिंग डबल होने से भी फ़ायदा होता है दोस्तों। अब करते हैं इसको फाइनली फिट, ये चिपका देंगे इसको और इन तारों को छोटा करके इसके साथ फिट कर देते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आप अपने किसी भी होम थिएटर को, जो किसी भी कंपनी का हो, ज़्यादातर ये लोकल ब्रांड के होम थिएटर में ये प्रॉब्लम आती है, इस प्रकार से आप उसको एकदम ठीक कर सकते हैं। और अब देखो दोस्तों मैंने वॉल्यूम कर दी फुल और किसी भी तरह की कोई नॉइज नहीं आ रही है, और मैं गाना चला देता हूँ अपना। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अपना ये टावर स्पीकर ठीक कर लिया। तो साथियों इस प्रकार की और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।